everybody, this is your educator Shubham Pathak and I hope आपके class 10 के exam अच्छे से हो गए थे और अब आपके पास एक बहुत ही important काम जो है class 11th की stream choose करना। I understand बहुत ही daunting task लगता है, सब लोग बोलते हैं इस पे आपका career depend होने वाला है, तो अच्छे से choose करो, ये mistake मत करना, वो mistake मत करना। इसीलिए आज की video आपके लिए बहुत important है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसी common mistake जो almost सारे बच्चे करते हैं अपनी stream selection के दौरान और आपको ये mistake नहीं दोहरानी। नंबर वन, चूजिंग द स्ट्रीम जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर डूइंग। सारे दोस्त देखो अलग अलग होते हैं, सबकी फ्रेंड्स, सबकी वीकनेसेस, सबके इंटरेस्ट, सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं और इसीलिए सिर्फ एक दोस्त को फॉलो करते हुए एक स्ट्रीम को चूज करना थोड़ा सा स्टूपिड हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, अगर आप स्ट्रीम सिर्फ इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम आपके स्कूल में अवेलेबल है और जो एक्चुअली में चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है, तो ये भी काफी स्टूपिड बात है। क्या कर रहे हैं यार तू? स्कूल को आपको स्ट्रीम के ऊपर नहीं रखना है। अगर आपको ह्यूमैनिटीज चाहिए और आपके स्कूल में ह्यूमैनिटीज अवेलेबल नहीं है तो स्कूल चेंज करो, ना कि स्कूल के अकॉर्डिंग स्ट्रीम चेंज करो। नंबर टू, नॉट रिसर्चिंग इनफ। चाहे आपको साइंस चूज करना हो, साइंस में भी मेडिकल चूज करना हो या नॉन मेडिकल चूज करना हो, या कॉमर्स क्यों ना चूज करना हो, या फिर ह्यूमैनिटीज लेने का मन क्यों ना हो, लेकिन आजकल दुनिया में इतने नए नए जॉब प्रोफेशंस आ गए हैं कि अगर आपने थॉरो रिसर्च नहीं की है तो स्ट्रीम सिलेक्शन में गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अच्छे से थॉरो रिसर्च करो, फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स के बारे में सोचो, ना कि सिर्फ ट्रेडिशनल लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशन के बारे में। डेटा एनालिसिस से लेके मशीन लर्निंग से लेके कॉन्टेंट क्रिएटर से लेके यूट्यूबर से लेके नए नए प्रोफेशन अब दुनिया में देखने को मिलते हैं और आप भी इनमें से किसी एक में अपना फ्यूचर बना सकते हो। नंबर थ्री, क्लास 10 की मार्कशीट में कुछ सब्जेक्ट हमेशा होंगे जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपके मार्क्स कम आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद था उसमें आपके क्लास 10 की मार्कशीट में थोड़े से कम नंबर आए हो, तो मार्कशीट्स के बेसिस पे आपको क्लास 11th में भी स्ट्रीम चूज नहीं करनी है। अगर आपको साइंस पसंद है तो इररिस्पेक्टिव आपकी क्लास 10th में साइंस में कितने मार्क्स आए हैं, आप साइंस ही स्ट्रीम को चूज करिए, क्योंकि मार्क्स कैन स्टिल चेंज फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर बट योर इंटरेस्ट वुड नॉट चेंज। नंबर फोर, नॉट टेकिंग एनफ गाइडेंस। अक्सर क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, ट्यूशन टीचर से पूछ लेते हैं या स्कूल टीचर से पूछ लेते हैं, ऑल ऑफ दैट इज नाइस, बट हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपनी करियर गाइडेंस ले रहे हैं तो ऐसे लोगों से भी बात करिए जो अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं और जो फ्यूचरिस्टिक जॉब ट्रेंड्स को जानते हैं। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात कर सकते हैं, आप लॉयर से बात कर सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं, यूट्यूबर से बात कर सकते हैं, फैशन ब्लॉगर से बात कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर फाइव, डू नॉट चूज अ स्ट्रीम जस्ट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन वन पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आप सिर्फ मेडिकल इसलिए चूज कर रहे हो कि आपको नीट देके डॉक्टर बनना है, या फिर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम इसलिए चूज करना चाहते हो क्योंकि आपको जेई देके इंजीनियर बनना है, तो दिस इज नॉट द वे टू गो अहेड। बल्कि आपको स्ट्रीम इसलिए चूज करनी चाहिए क्योंकि आपको नंबर्स पसंद है, या फिजिक्स पसंद है, या बायोलॉजी पसंद है, या फिर आपको एनालिटिक्स पसंद है। तो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आपका बाय चांस वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता है, देन यू विल बी स्टक विद द स्ट्रीम दैट विल मेक यू अनहैप्पी। सो चूज अ स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू योर विशेस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड लास्ट, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचो। देखो अभी आप क्लास 10 से 11th में जा रहे हो, जब तक आपका करियर बनेगा वो आज से 5 साल 7 साल बाद बनेगा, तो आपको हमेशा ये सोचना जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स अभी आप ध्यान में रखते हुए अपना करियर या स्ट्रीम सिलेक्शन कर रहे हो, क्या पता वो जॉब्स तब तक रिडंडेंट ही हो जाएं जब तक आप अपना करियर बनाने जाओ, या फिर उन जॉब्स में उतना पैकेज तब तक ना मिले जितना आप अभी सोच रहे हो। तो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स को ध्यान में दो, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में आगे आगे बहुत सारे स्पेशलिस्ट की जॉब्स आने वाली हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दुनिया में डिप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग में नई नई जॉब्स आने वाली हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है आजकल बहुत लुक्रेटिव माने जाते हैं। पहले मैकेनिकल इंजीनियर्स माने जाते थे क्योंकि पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था इकोनॉमी में, आजकल जो है सब कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। सो ये सारे ट्रेंड्स को आपको ध्यान में रखना है बच्चा, एंड आई एम श्योर यू विल सिलेक्ट द राइट स्ट्रीम फॉर यू, एंड डोंट बी टू प्रेशराइज। आपको लाइफ बहुत सारे मौके देगी अपनी जॉब स्विच करने के या प्रोफेशन स्विच करने के, सो स्टिक टू योर बेस्ट चॉइस एंड ऑल द बेस्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो फॉर मोर। बाय।